Hi guys, this is Jyoti. Welcome to the ultimate course that you guys are waiting for, that is machine learning in Python. So in this course, we are going to cover a lot and lots of things, and sabse important jo hum padhne wale hain, that is known as machine learning, right? So let's look at some of the examples. We actually use machine learning in our daily life. बट हमें पता नहीं है राइट वी डोंट नो कि हम कहाँ कहाँ इसका यूज कर जाते हैं एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट हैज बिकम इन आवर लाइव्स तो उसको देखते हैं थोड़ा सा एंड देन वी विल सी कि हम इस कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं राइट सो लेट्स गो अहेड ठीक है तो मशीन लर्निंग जो है वो बहुत सारी चीजों में यूज होता है तो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट ठीक है गाइस हैविंग स्मार्टफोन्स यूजली यूज ओके गूगल Okay, Google, set a reminder. Okay, Google, what is my next schedule? Okay, Google, what, blah, 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 right? So, okay, Google is kind of a machine who has so much learned ki wo aapki bhasha samajh ke aapka sab kuch, it has trained so much ki aapke liye sab kuch kar deta hai wo. You know, it can call, it can send a message, it can do anything for you. So, jaise okay, Google hai, similar to that is Siri and Alexa. Theek hai? Similarly, there are various smart speakers. Aap usse bolo, hey, play this song. बना दे सिमिलरली देर आर स्मार्टफोन्स राइट सैमसंग एस सेट एंड ऑल जो कि इस फीचर का यूज कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है लाइक यू हैव समथिंग वेरी स्मार्ट ठीक है सो दिस इज समथिंग दैट यू यूज इन योर रियल लाइफ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेनेवर वी आर कम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं तो व्हाइल वी ट्रैवल हम लोग यूजुअली जब हम फर्स्ट टाइम किसी जगह पे जाते हैं वी यूज जीपीएस राइट वी यूज द मैप्स तो मैप्स कैसे काम करता है इट प्रिडिक्ट योर ट्रैफिक ऑन द बेसिस ऑफ मशीन लर्निंग ठीक है वो कैसे होता है वो डेली डेली इसको इतना ट्रेन होता है डेली के डेली और आपको बता देता है कि इस जगह पे कंजेशन हो सकता है इस जगह पे कंजेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ योर डेली एक्सपीरियंस ठीक है और फिर कल को वेन यू गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अराउंड 5 to 6 टाइम्स सेवेंथ टाइम वो आपको खुद ही बता देगा कि ये शॉर्टेस्ट वे है इधर से चले जाओ देखा होगा आप सबने ये यू माइट हैव एक्सपीरियंस द सिमिलर थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ सो यू सी इट्स वेरी वेरी यूजफुल इन रियल लाइफ और अब इस कोर्स के बाद यू गाइज विल बी मेकिंग समथिंग विच इज यूजफुल फॉर ऑल सो यू अंडरस्टैंड कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है राइट सिमिलरली ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जब हम कैब बुक करते हैं लाइक वी यूज ओला उबर वेरियस अदर्स ठीक है तो जैसे आप बुक करते हो तो ऐप जो है आपको एक एस्टिमेट प्राइस बता देता है कि आप यहाँ ए लोकेशन से बी लोकेशन पे जाओगे तो आपको इतना प्राइस लगेगा कैसे दैट इज ड्यू टू मशीन लर्निंग रोज अराउंड 70-80 लोग अगर उस पोजीशन से जा रहे हैं तो वो उनका एवरेज निकाल लेता है डेली ट्रेन इटसेल्फ और फिर 100th डे पे वो आपको करेक्ट डेटा दे देता सो दिस इज वॉट यू ट्रेन अ मशीन दैट बिकम्स सो इंटेलिजेंट दैट इट बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन ठीक है तो जो भी हो रहा है ये सब मशीन लर्निंग से हो रहा है वन मोर एग्जाम्पल आई विल शो यू वी ऑल यूज फेसबुक वी ऑल यूज ट्विटर वी यूज इंस्टाग्राम वी यूज नेटफ्लिक्स राइट सो बहुत सारी हम सोशल मीडिया सर्विसेज यूज कर रहे हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है फेसबुक में हमने देखा होगा आप एक सर्टेन सेट ऑफ लोगों को एक्सेप्ट करते हो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट में तो फेसबुक आपको राइट में सजेशन देता है कि योर न्यू फ्रेंड सजेशंस या पीपल यू मे नो राइट कैसे देता है दैट इज बेस्ड ऑन द मशीन लर्निंग वो आपके पैटर्न को स्टडी करता है कि आप किस टाइप के लोगों को यू नो यू आर एक्सेप्टिंग एज योर फ्रेंड तो वो आपको उसी टाइप के लोगों का सजेशन देता है ठीक है सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स तो अगर आप डेली एक स्पेसिफिक हॉरर टाइप ऑफ मूवीज देख रहे हो तो वो नेक्स्ट टाइम आपको सजेशन भी हॉरर टाइप ऑफ मूवीज का देगा बिकॉज इट गेट्स ट्रेन्ड ठीक है इनिशियली नहीं देगा इनिशियली वो ट्रेन होता है नेक्स्ट डे आपको देने लगेगा कि हाँ ये देखो ठीक है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर इज फेस रिकॉग्निशन ठीक है फेसबुक में आपने किसी फ्रेंड के साथ पोस्ट किया ठीक है तो बिना उसका नाम डाले फेसबुक समझता है अरे ये तो ये है राइट बिकॉज इट्स सो इंटेलिजेंट ऑल्दो इट्स नॉट अ ह्यूमन स्टिल इट्स सो इंटेलिजेंट व्हाई बिकॉज वो आपको बिहेवियर लर्न कर चुका है अब वो इतना इंटेलिजेंट बन गया है कि आपको उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है वो ही आपको बताएगा सो यू सी तो सिमिलर पिंस पिंटरेस्ट पे क्या होता है आप एक तरीके के पिन को लाइक करोगे सिमिलर उसी टाइप के पिन आपके पास आ जाएंगे ऑन योर बिहेवियर ये एकदम यू नो इट्स वेरी डायनेमिक उसी समय हो रहा है
और होम पेज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स इट बिकम्स कस्टमाइज्ड फॉर यू. आप डेली कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ चीज कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप होम पेज खोलोगे इन सब एप्स का तो वो आपको उसी तरीके से मिलेगा जो चीजें आप कर रहे हो. कुछ दिन वो आपको बिहेवियर रीड करता है, द नेक्स्ट डे वो आपको वैसा शो कर देता है. सो यू सी कि यू गाइज विल बी मेकिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर अ ह्यूज सेट ऑफ सोसाइटी, राइट? सो मशीन लर्निंग इज समथिंग जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, आपने देख ही लिया. बट पीपल हु नो दिस, हु एक्चुअली आर ट्रेन्ड इन दिस आर वेरी 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 फ्यू. So you can be one of it. So go ahead and we'll actually start learning machine learning more and more. ठीक है? एक और example देखते हैं इसका, healthcare. ठीक है? So healthcare आपको पता है क्या है? Doctors and all. So very important thing, the health. So क्या होता है? When you need to do diagnosis, तो ये सबसे जल्दी आपको machine को अगर आपने train कर दिया ना, it helps a lot. ठीक है, डॉक्टर्स को बहुत हेल्प करता है फॉर अर्ली डायग्नोसिस, फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी. और डॉक्टर का टाइम बच जाता है, पेशेंट की लाइफ बच जाती है, और क्या चाहिए. सो यू सी हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्लेज अ रोल इन हेल्थ केयर. ठीक है, सो कमिंग टू दिस पर्टिकुलर कोर्स नाउ, ये कोर्स आपको क्या क्या देगा, ये कुछ स्किल्स है, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, साइकिट लर्न, साइपाई, टेंसरफ्लो, इंस्ट्रक्चर. अभी तो नहीं समझ आ रही होगी, बट डेफिनेटली जैसे ये कोर्स एंडिंग की तरफ बढ़ेगा, यू विल अंडरस्टैंड, एक एक चीज समझ आएगी आप. ठीक है, प्रोजेक्ट्स करेंगे हम बहुत सारे, वी विल बी डूइंग अ लॉट्स एंड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन ऐड इन योर रिज्यूमे. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वी विल गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड यू विल बी प्लेस्ड इन द बेस्ट टेक इंडस्ट्रीज दैट आई विल गारंटी यू एंड यू विल नो हाउ टू अर्न मनी. ठीक है, सो दिस ऑल यू गोइंग टू गेट इन दिस कोर्स, राइट? सो ठीक है, we'll study about the course design and all, right? और आगे पढ़ते हैं. And so see you, good luck, take care, bye bye.